हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जो आज का प्रोडक्ट लेके आएंगे ऐसा प्रोडक्ट है जो मोस्टली आज लोग घरों में यूज़ करते हैं, परंतु एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में माना जाता है। जो आज का प्रोडक्ट हम लेके आए हैं वो डाबर का अभेरेस्ट है। जो ऊपर देख सकते हैं डाबर की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, ऊपर कैप पर भी आपको डाबर की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो आप सबसे ऊपर देखेंगे तो देख सकते हैं डाबर की इसमें ब्रांडिंग मिल रही है आपको, यहाँ पर सील कैप मिल जाती है। तो ये बोतल आप देख सकते हैं ग्लास बोतल के अंदर आती है, शीशे के बोतल में आती है। तो शीशे की बोतल के अंदर आपको मिल जाती है। सबसे ऊपर देख रहे हैं डाबर की ब्रांडिंग यहाँ मिल रही है। अबेरिस के नाम से ही आता है, अबेरिस हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रिवेंशन दिया गया है। कब्ज में उपयोगी है, मेस्टली जो कॉन्स्टिपेशन है उसमें एक आयुर्वेदिक दवा के रूप में यूज़ होती है, परंतु इसका जो उपयोग है वो किसी चिकित्सक की देखरेख में करना चाहिए, उसके ना उसके इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। वर्ल्ड लार्जेस्ट आयुर्वेदा कंपनी है डाबर की, जो इसमें क्लेम कर रही है। इसके अलावा कुछ चीज़ें बताने की, इसमें देखते हैं आपको मैन्युफैक्चरिंग नंबर मिल जाता है, सबसे ऊपर लाइसेंस नंबर इसका दिया गया है। और मैन्युफैक्चरिंग जो दिखा डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के, जो साहिबाबाद यूपी का इसमें एड्रेस दिया गया है। रजिस्टर्ड ऑफिस जो इनका डाबर का आप देख सकते हैं आसफ अली रोड का है, न्यू दिल्ली 002 का है। नेट वॉल्यूम की बात करें 750 ml आपको मिल जाता है। उसके अलावा आपको बारकोडिंग यहाँ मिल जाती है। बारकोडिंग के अलावा आप देख सकते हैं डाबर केयर का कॉल नंबर भी दिया गया है, जिसके थ्रू आप इनको कॉल कर सकते हैं, उसके अलावा इनको लिख भी सकते हैं। इनका एड्रेस दिया गया है 8/3 आसफ अली रोड न्यू दिल्ली 11002 का इसमें एड्रेस है। ईमेल आईडी प्रोवाइड की गई, जिसके थ्रू आप कोई सजेशंस हो, कंप्लेंट हो, वो भी इनको भेज सकते हैं। इनके अलावा वेबसाइट भी दी गई है, जो dabur.com के नाम से वेबसाइट इनकी दी गई है, जिसके थ्रू आप इनके और जो यदि प्रोडक्ट है उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री नंबर दिया गया है जो 1800-103-1644 के नाम से देख सकते हैं। इसमें आपको टोल फ्री नंबर भी दिया है, जिसके थ्रू आपको सजेशन हो, कंप्लेंट है, या कोई आपको इसमें कोई जिज्ञासा हो जिसके द्वारा पूछना चाहते हैं, वो भी इसके द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा देख सकते हैं आपको एक नंबर मिल जाता है जिसमें आप इनसे बात कर सकते हैं, कुछ बुला के बात करें। देख सकते हैं यहाँ पर व्हाइट कलर का आपको लोगो इसमें मिल रही है स्पेस, इसमें आप देख सकते हैं इसमें MRP और बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी, तीनों चीज़ें या चारों चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाती हैं और उसको प्रिंट किया गया है। सबसे पहले MRP बात करें 142 rupees का MRP है। फिर आपको बैच नंबर मिल जाता है, इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको मिल जाती है जो 6/2020 की है। एक्सपायरी डेट की बात करें लगभग 10 साल की इसमें एक्सपायरी मिल जाती है, 10 साल की आपको शेल्फ लाइफ मिल जाती है, जिसके थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो दूसरी चीज़ों की बात बता लेते हैं, कब्ज में उपयोगी है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब इसमें देख सकते हैं बनती क्या क्या है, इसमें क्या क्या दिया गया है। डोजेस की बात है 15 ml से 30 ml आप इसको ले सकते हैं, 1 से 2 tablespoon ले सकते हैं विद वाटर दिन ट्वाइस ए डे, दिन में आप 2 बार इसको ले सकते हैं खाना खाने के बाद, और एक डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, जैसे आपके डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक होता है, आयुर्वेदिक जो आपके वेद होते हैं वो आपको बताएंगे इसको कैसे लिया जा सकता है, इसको अकॉर्डिंग आप इसको ले सकते हैं। क्वेश्चन की बात करें एक चेतावनी, टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली, जिसको लेना है वो आपको किसी मेडिकल सुपरविजन के अंडर लेना है। इसका अर्थार्थ ये होगा किसी भी वेद से या आयुर्वेदिक चिकित्सक से आप उससे पूछ के ही लेना है इसको, और कैसे लेना है उसके द्वारा भी आप इसको पढ़ सकते हैं। आयुर्वेदिक औषधि है और भेज्य रत्नावली अर्श रोग विकार है, मतलब कि जो आपके पाइल्स होती हैं तो कब्ज होती है उससे भी आपको निजात दिलाता है, उससे परेशानी दूर रखता है। हिंदी में दिया गया है 15 ml से 30 ml, 1 से 2 बड़े चम्मच आप इसको ले सकते हैं, दिन में 2 बार पानी के साथ या चिकित्सक के आलोचना ले सकते हैं। उससे सावधानी की बात बताएं और चिकित्सक की देखरेख के अकॉर्डिंग ही लेनी है। नीचे इसमें दिए गए इंग्रेडिएंट्स की डिटेल प्रोवाइड की है, जिसके द्वारा आप देख सकते बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स में डाली गए हैं, इसमें कि जो 100 ml का है उसमें दिया गया किस किस से दिया गया, इसमें आपको देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किए गए हैं। हरित तकी है इसके अंदर जो प्रोवाइड किए, दरक्षा इसको आपको मिल जाता है, इसके बाद विदंगा इसके अंदर दिया गया है, मधुका दिया गया है, और इसके अलावा ईच जो 3.16 ग्राम के करीब इसकी मात्रा है, और इसके अंदर जो बहुत सारी चीज़ों के अलावा आप देख सकते हैं गुदा भी इसके अंदर मिल सकते हैं, गोशुरा है, ये मेडिसिन हैं जो दवाइयाँ होती है, त्रुविता भी इसके अंदर डाला गया है, धनंजय क्या भी इसके अंदर मिल जाता है, तताकी मिल जाता है इसके अंदर, और बहुत सर्कुल मिला के बहुत सारी इसमें दी गई है। डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी जो इसमें डिटेल प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ सबसे अच्छी बात है जो प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव में सोडियम बेनोजोरेट का इस्तेमाल किया गया है। और स्टोरेज की बात करें, स्टोरेज कीप एंड कूल एंड ड्राई ब्रे, आपको ठंडी जगह पर रखना है, सूखी जगह पर रखना है, ऐसी जगह पर नहीं रखना है डायरेक्ट सनलाइट आती है, आपको सूखी जगह पर रखना है तो किचन जैसी जगह पर भी रखना है जहाँ गर्मी होती है, वो भी इसमें आपको यूज़ नहीं करना है। तो कुल मिला के 2-4 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। जिसका उपयोग है मोस्टली जो कब्ज के लिए किया जाता है, ये आंतों को अच्छी तरह से सफाई करती है उसकी, और जो कब्ज की समस्या है उसको जड़ से मिटाने के प्रयास करती है। इसके अलावा जो पाइल्स के रोगी होते हैं उनके लिए भी ये एक अमृत के समान ही है, क्योंकि ये मोस्टली जो कारण होते हैं कब्ज के, गैस होती है, कब्ज होती है जिसके द्वारा
खाना में अपचन होती है उसको ठीक करके आपकी जो पाचन तत्वाली है उस प्रणाली है उसको पूरी तरह से ठीक करती है। इसके अलावा बहुत सारी जड़ी बूटियाँ इसके अंदर दी गई है जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी इसको यूज़ करने से पहले सबसे अच्छी बात है कि आपको चिकित्सक या वैद्य के परामर्श के द्वारा ही इसको यूज़ करें। तो उम्मीद करते हैं आपको ऐसा वीडियो और आते रहेंगे आपके लिए। और वीडियो देखने का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।